डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को नेशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। फर्स्ट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता। कब स्थापना हुई? 1948। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्स, अंधा और विकलांग के लिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? देहरादून। कब स्थापना हुई? 1979। थर्ड, नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्केयर दिल्ली में है। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? AIIMS न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1966। खुदा बकश ओरिएंटल लाइब्रेरी नेशनल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी यह कहाँ है? पटना में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1891 में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ है? IIT खड़गपुर 2018 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? यह कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में हुई है। इम्पीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता। इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुई है। सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ है? थंजौर का। इसकी स्थापना हुई है 1918 ईस्वी में। रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में है। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई है। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ है? भुवनेश्वर में। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई है। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? जयपुर। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई है। अब सम नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ वर्ल्ड। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता। यह कैसा है? राष्ट्रीय है यह। इसकी स्थापना कब हुई? 1948। इंडिया का राष्ट्रीय पुस्तकालय। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA 1800 ईस्वी में हुई है। बिबलियोथेक नेशनले फ्रांस में है। 1461 ईस्वी में हुई है। स्टेट लेनिन लाइब्रेरी कहाँ है? मास्को रूस में है। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहाँ है? जापान। 1948 ईस्वी में हुई है। नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई है। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? UK में है। इसकी स्थापना 1753 ईस्वी में हुई है। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट में लिखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अधिक से अधिक आप लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और आप पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखा कीजिए सभी वीडियो को। धन्यवाद।